आज भारत विकास की एक अभूतपूर्व अद्वितीय यात्रा का साक्षी है। गत 9 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। हमारे मेहनती किसान भाई बहनों के योगदान से हमारा कृषि क्षेत्र भी इस विकास यात्रा में अपना योगदान दे रहा है। किसानों के हितों के लिए समर्पित भारत सरकार ने मिट्टी की जांच और सिंचाई से लेकर खाद तक, बीज और बीमा से लेकर बाजार तक, क्रेडिट कार्ड से लेकर सम्मान निधि और FPO से लेकर किसान समृद्धि केंद्र जैसी कई पहलों से हमारे अन्नदाता को लगातार मजबूती दी है। आज किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसान समृद्धि केंद्र खेती से जुड़ी अनेक सुविधाएं जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक, मशीनरी, मिट्टी, बीज परीक्षण, उपकरण सहित सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराते हैं, ताकि किसानों की भागदौड़ कम हो और वे बेहतर तरीके से खेती कर सकें। ये केंद्र किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने में और प्रभावी योगदान दें, इसलिए देश भर में जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर 280,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाने की योजना है। इनमें से 1,25,000 से ज्यादा केंद्र तैयार हो चुके हैं, जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने आज कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेती की जरूरतों में किसानों को मदद के लिए सीधी सहायता के रूप में PM किसान योजना की शुरुआत की, जो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा PM किसान की 14वीं किस्त के रूप में 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 17,000 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज सल्फर कोटेड यूरिया यानी यूरिया गोल्ड का शुभारंभ कर दिया गया है, जो मिट्टी में पोषक तत्व क्षमता को बढ़ाएगा। आज डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क यानी ONDC पर 1,600 से अधिक FPOs की ऑनबोर्डिंग का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। कृषि क्षेत्र में बन रहे हैं नए कीर्तिमान, उन्नति और समृद्धि के पथ पर हैं किसान।